तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पांच ऐसी बाइसेप मिस्टेक्स जो कि आप अपनी बाइसेप वर्कआउट रूटीन में लगा रहे हो। इनको करेक्ट कर लोगे तो बाइसेप में ग्रोथ जरूर दिखने लग जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर गाइस। सबसे पहली मिस्टेक है आपका पोस्चर। जब भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, यहाँ बस बाइसेप की नहीं कर रहे, तो पोस्चर बहुत मैटर करता है। अगर पोस्चर सही नहीं होगा तो वो जो एक्सरसाइज है वो रिक्वायर्ड मसल को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि यहाँ पे हम बाइसेप की बात कर रहे हैं, तो जब भी बाइसेप लगानी है, बाइसेप कर्ल्स लगानी है, तो हमेशा शोल्डर को रिट्रैक्ट करो, चेस्ट अप, कोर टाइट और देन कर्ल्स। बिल्कुल कंट्रोल वे में लेके आओ, इस तरीके से बाइसेप कर्ल्स लगाओ। अगर ढंग से लगाओगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, पोस्चर की जगह वो हैवी वेट्स की तरफ जाते हैं और उनसे वो वेट कंट्रोल नहीं होते, जिससे कि सारा पोस्चर खराब होता है और मसल की स्टिमुलेशन के बजाय अदर मसल्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली मिस्टेक जो करेक्ट करनी है वो है अपना पोस्चर सही रखना है गाइस। मिस्टेक नंबर 3 है एक्सरसाइज सेलेक्शन। अगर आप बाइसेप के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज चूज कर रहे हो जिस पे आपको स्टिमुलेशन फील नहीं होती है या फिर जिस पे माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता, तो वो आपके लिए एक्सरसाइज सही नहीं है। वैसे सारी एक्सरसाइज सही होती है, मगर हमेशा ऐसी एक्सरसाइज चूज करो जिस पे आपको कनेक्शन फील होता है। जैसे कि अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट हो और आप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स करते हो, तो बहुत से लोगों को इसमें टेंशन फील नहीं होती। तो इसकी जगह आप ऐसी एक्सरसाइज पे आओ जहाँ पे आपको टेंशन फील होती है, जैसे कि केबल कर्ल्स। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, आपको इजीली टेंशन फील होगी, जिससे आप अपने मसल में और अच्छा पंप ला पाओगे, जिससे उसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो दूसरी मिस्टेक जो सही करनी है वो है एक्सरसाइज सेलेक्शन गाइस। मिस्टेक नंबर 3 है कि आप इसेंट्रिक मोशन को कंट्रोल नहीं करते। ज़्यादातर लोग जब भी एक्सरसाइज लगाते हैं, ये बूम 1 2 3 4, ये गलत वे है। हमेशा इसेंट्रिक मोशन को कंट्रोल करो, क्योंकि इसेंट्रिक मोशन में मसल डैमेज ज़्यादा होता है और जितना मसल डैमेज करोगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। इसलिए कॉन्सेंट्रिक मोशन में होल्ड करो, फिर धीरे धीरे रिलीज़ करो, ग्रेविटी को कंट्रोल करो, स्क्वीज़ करो, रिलीज़ करो, स्क्वीज़ करो, रिलीज़ करो। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल करके लाना है, ग्रेविटी को कंट्रोल करना है। इससे आपकी जो इफेक्टिवनेस है एक्सरसाइज की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे आपको ग्रोथ अपने आप मिलने लगेगी। मिस्टेक नंबर 4 है आपकी रैप रेंज। अब हर एक्सरसाइज के लिए 8 रैप नहीं होते, हर एक्सरसाइज के लिए 15 रैप नहीं होते। अगर आपसे किसी एक्सरसाइज पे, मान लो कि ये हमारी बाइसेप कर्ल्स है और ये क्योंकि एक आइसोलेशन और छोटा मसल है, अगर आपसे इस पे 15 से ज़्यादा रैप निकल रहे हैं, तो क्या करो, वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो और एक ऐसी रैप रेंज के अंदर आओ जहाँ पे मसल स्टिमुलेशन दिखे। बाइसेप के अंदर हाइपरट्रॉफी इंक्रीज़ करने के लिए आपको 10 से 12 रैप की रेंज में रहना चाहिए, जिससे उसकी अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो पाए। अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा रैप आ रहे हैं, तो वेट को इंक्रीज़ करो। अगर आपको लगता है 10 से कम रैप आ रहे हैं, तो फिर वेट को घटाओ। इसलिए एक प्रॉपर रैप रेंज के अंदर रहो जहाँ पे आपका मसल स्टिमुलेट होता है। लास्ट मिस्टेक है ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी। अब आप क्योंकि इंटरमीडिएट एथलीट्स हो और अगर आपको बाइसेप में ग्रोथ देखनी है, तो उसको हफ्ते में 2 बार कम से कम ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि बाइसेप छोटा मसल है तो इसकी रिकवरी जल्दी होती है, जिस वजह से आपको इसे फ्रिक्वेंटली ट्रेन करना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 2 बार ट्रेन करो और कम से कम एक्सरसाइजेस 5 to 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करो अपने बाइसेप रूटीन में, तो इससे आपकी ग्रोथ जरूर बढ़ेगी। जो भी आपका ऐसा लगता है कि वो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है या फिर उसमें लीस्ट ग्रोथ आपको दिखती है, उसको प्रायोरिटी पर लेके आओ और उसकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करो, इससे आपकी वो जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो गाइस ये 5 मिस्टेक्स हैं, अगर इनको सही कर लोगे तो बाइसेप्स में आपको डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंटेंट पसंद आया, कंटेंट को शेयर करो, चैनल को